और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें। श्रावस्ती जनपद में श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह आज अचानक सुबह भिनगा जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने पहुंच करके मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जाना। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी लापरवाही बरतते हुए दिखाई पड़ा, अगर किसी ने जिम्मेदारी पूर्वक इस अस्पताल में अपना काम नहीं किया तो उसको उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने प्रातःकाल ही संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में अचानक पहुंच करके औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम अस्पताल परिसर में नवनिर्मित NRC भवन का निरीक्षण किया तथा निर्देशित किया कि भवन निर्माण फिनिशिंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा पुराने भवन से यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा NRC में वॉल पेंटिंग इत्यादि कार्य भी कराए जाएँ। इसके बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और इसका निरीक्षण किया तथा मरीजों एवं उनके तीमारदारों से बात करके उनका हाल चाल जाना और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं इन मरीजों को दी जा रही हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अब लापरवाह चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यदि मरीजों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में अगर किसी की तरफ से लापरवाही या शिथिलता मिलती है तो संबंधित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि अस्पताल में तैनात सभी चिकित्सकों पैरामेडिकल कर्मियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित रखें। जिलाधिकारी ने NICU में भर्ती नवजात शिशुओं को बेहतर ढंग से देखभाल करके उन्हें स्वस्थ बनाया जाए ऐसा निर्देशित किया। और इसके बाद में जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को खान पान, दवाई, इलाज, टीकाकरण आदि के बारे में विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप साफ सफाई कराकर सभी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त रखा जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पर्चा काउंटर पर लंबी लाइन देकर इसे व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए निर्देश किया और बाहर की खिड़कियों के उपयोग हेतु शेड और बेंच डिजिटल टोकन सिस्टम लगाया जाए। बैनर पोस्टर जो गंदे पुराने हो गए हैं उनको तत्काल हटाया जाए, उनकी साफ सफाई कराई जाए और खराब बैनर तत्काल हटाए जाएं। SNCU में निरीक्षण के दौरान डस्टबिन छोटी पाए जाने पर बड़ी व रंगीन डस्टबिन लगाने का निर्देश दिया। लेबर रूम के निरीक्षण के दौरान 2 मरीज भर्ती पाए गए तथा रूम के बाहर जल जमाव पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल उसे खाली कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ नर्स बिंदु से बात की करके स्थिति की जानकारी ली, जिस पर स्टाफ नर्स द्वारा जानकारी न दिए जाने पर स्टाफ नर्स को CSC ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया। PSC वार्ड के बाहर सफाई कराने एवं डस्टबिन रखने का निर्देश दिया। वार्ड में लगी AC खराब पाए जाने तथा एग्जॉस्ट फैन सही न पाए जाने पर 24 घंटे के अंदर सही कराने का निर्देश दिया है। ऑपरेशन थिएटर का कक्ष का दरवाजा खराब पाया गया, जिसे मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही कक्ष के बाहर ही मरीज व तीमारदार गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, जिलाधिकारी ने तत्काल वहां पर पंखा लगाने का निर्देश दिया। जनरल वार्ड में निरीक्षण के दौरान स्ट्रेचर व व्हील चेयर पर ताला बांधा पाएगा, जिस पर जिलाधिकारी ने इसे खोल करके उपयोग में लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को पास जारी किया जाए जिससे मरीज के साथ केवल 2 लोग ही रह सके। वार्ड में कुल 5 मरीज भर्ती पाए गए। पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण के दौरान 5 मरीज भर्ती पाए गए, जिनका 3 दिन से इलाज चल रहा है तथा भोजन, पानी, नाश्ता आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र में लगा TV खराब पाया गया, जिसे मरम्मत कराने का और नया लगवाने का आदेश किया गया है। उन्होंने ये निर्देश दिया कि वार्ड में मरीजों के पीने का पानी और मूलभूत सुविधाएं सदैव उपलब्ध रखी जाएं। गार्ड की ड्यूटी सभी वार्डों में लगाई जाए तथा एक इंचार्ज बनाया जाए। इस दौरान चीफ फार्मासिस्ट JP सिंह उपस्थित पाए गए तथा उनके द्वारा जिलाधिकारी को दवाओं की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया गया। वार्ड में जगह जगह कूड़े के ढेर पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित को कड़ी फटकार लगाई है और तत्काल उसे हटवाने का निर्देश दिया है। ब्लड बैंक में डॉक्टर BN वर्मा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर मोहित आस्थाना उपस्थित पाए गए। कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा गुटखा खाते हुए पकड़े जाने पर जिलाधिकारी ने जुर्माना लगाने व 1 दिन की सैलरी काटने का निर्देश दिया। इमरजेंसी में डॉक्टर अमित राणा व आदर्श त्रिपाठी उपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों को कोई भी दवा बाहर की न लिखी जाए। इस दौरान सफाई कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया तथा सफाई कार्य बाधित है, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी दिखाई और व्यक्त करते हुए FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। अल्ट्रासाउंड कक्ष में 7 कर्मी एवं 1 सुपरवाइजर उपस्थित पाए गए तथा शेष कर्मचारी गायब हैं।
और बिना वर्दी के हैं। जिलाधिकारी ने इन्हें ब्लैक लिस्टेड करते हुए FIR की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल के बाहर भूमि एवं इंटरलॉकिंग कार्य करवाया जाए तथा पार्किंग की व्यवस्था कराए जाने हेतु शासी अधिकारी नगर पालिका भिंगा को निर्देशित किया है। अस्पताल के बाहर लगे पान मसाले के ठेलों को हटाया जाए तथा बाहर डस्टबिन की व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों को सभी सुविधाएं पूरी पारदर्शिता के साथ मुहैया कराने के साथ साथ मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार करके सेवा भाव के रूप में अस्पताल में प्रदत्त सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लापरवाही करने की शिकायत मिली तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रामगोपाल सिंह, वाण्य चिकित्सकगढ़, मेडिकल पैरामेडिकल कर्मी सभी लोग उपस्थित रहे। तो बहुत ही अच्छी बात, जिलाधिकारी श्रावस्ती की तरफ से अचानक ही जब कोई जिलाधिकारी निरीक्षण करने पहुंच जाता है तो उसे पता चल जाता है अस्पताल में कितनी खामियां हैं। कई लोगों को यहां से वहां ट्रांसफ़र किया गया है, कई लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा। एक जो वहां पर स्टाफ नर्स थी उसको तुरंत CSC में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जिलाधिकारी बहुत ही ज़्यादा भड़क गए, जिला अस्पताल की व्यवस्था देख कर जिलाधिकारी बहुत ही ज़्यादा भड़क गए। और उसके बाद आपको बता दें कि गुटखा खाते हुए मिलने पर भी एक दिन की सैलरी रोक दी गई है। शायद ऐसे ही जिलाधिकारी की श्रावस्ती जिले को ज़रूरत थी। आज श्रावस्ती में वास्तव में ऐसा लग रहा है कि कोई जिलाधिकारी आया है। जिलाधिकारी श्रावस्ती से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसी तरीके से वो सारे CSC पर जाएं और एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 CSC पर ज़रूर जाएं और बिना किसी को बताए जाएं। जब भी CSC पर जाएंगे तब पता चलेगा कि स्वास्थ्य सुविधाएँ आखिरकार कितनी मुहैया हो रही हैं मरीजों को। अक्सर देखा जाता है कि जब भी जिलाधिकारी का दौरा किसी अस्पताल में होता है तो पहले ही सूचना पहुंच जाती है। इसीलिए यहां की जनता ये चाहती है कि जब भी जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी कहीं किसी भी अस्पताल का दौरा करने जाएं तो इसी तरीके से बिना बताए जाएं ताकि सच्चाई उनके सामने आ जाए। और एक दिन में जिलाधिकारी जो कुछ निर्देश दे करके जाएँ अगले हफ्ते उस अस्पताल का जाँच जरूर करें और पता करें कि जो कुछ वो निर्देशित करके गए थे वो उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिला अस्पताल भिंगा में जिन जिन कामों के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है ग्रेट श्रावस्ती चैनल उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि अगले हफ्ते एक बार फिर जाएं और देखें कि वो सारे काम हुए कि नहीं हुए। और हर आगे जहाँ गाय चल रही है वहाँ।